मैं राजेश शर्मा हूँ और स्टेट प्रेस सेक्रेटरी और पूर्व में जिला अध्यक्ष रहा हूँ जिला शिमला का। बहुत हैरानी की बात है कि प्रदेश सरकार जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है तो आप देख लीजिए, मेरे ख्याल से 11-12 बज चुके हैं और हमें 2 घंटे पहले यहाँ हो चुके थे और 1 घंटे हम अंदर रहे हैं और फिर हमें बोला गया कि आप बाहर जाइए, आप 4 बजे अब सेक्रेटरेट आइए। हम बहुत हैरान है कि किस तरह का व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है कि 5 लोगों को फ़ायदा देने के लिए 1300 परिवारों को खतरे में डाल दिया गया है और जो कमीशन जो है 11-11.5 लाख रुपये नाइलेट को अकेले मिलती थी, अब वो 5 ठेकेदारों में बांट दी जाएगी। और आप हैरान होंगे, मैं यहाँ फैक्ट बताना चाहूँगा, शिमला किन्नौर का टेंडर जो है ये भी एंटरप्राइजेस को दिया गया है और ये मुझे मालूम हुआ है कि ये कोई कोटखाई कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं। और जो सोलन का जिसको शिमला क्लीनवेज का टेंडर दिया गया है वो जो है वो भी कोई जनार्था जी है। और बहुत हैरानी की बात है कि ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में कोई शॉप नंबर 9 में अपना ऑफिस चला रहे हैं। इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन अगर हिमाचल में देनी है तो हम जैसों का तो भगवान ही मालिक है। मैं ये फिर बोलना चाहूँगा, और ये जो शिमला क्लीनवेज है मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है पर ये बोला जा रहा है कि ये IPH डिपार्टमेंट में इन्होंने कोई एम्प्लॉयज़ रखे थे, 6 महीने की सैलरी डकार कर ये कोई ब्लैकलिस्ट उस विभाग ने कर दी है कंपनी, और बावजूद इसके ये IT एजुकेशन का काम भी इस कंपनी को दे दिया गया है जिनको यही पता नहीं लग रहा है कि ये टीचर्स की सैलरी कितनी जानी है। जल्दबाजी में अपना कमीशन पूरा करने के लिए, कमीशन पक्का करने के लिए जल्दबाजी में सैलरी डाली जा रही है और वो सैलरी जो है काट के डाली जा रही है। सैलरी हमारा इशू नहीं है, आप मत दो। आज भी जो है बिना सैलरी लिए जो है टीचर्स मेरे पास, यहाँ किन्नौर के टीचर्स हैं, अभी बहुत हैरान होंगे आप, एक छोटी सी बच्ची को छोड़कर जो है हमारी महिला शिक्षिका यहाँ पर हैं और इस तरह की परिस्थितियों से सारी रात सफ़र करके यहाँ पहुँचते हैं लोग, और बावजूद इसके हमें 8-8 घंटे जो इंतज़ार कराया जाता है। और बहुत हैरान है हम ऐसे सिस्टम से कि क्यों ऐसी कंपनियों को वेटेज दी जा रही है, ये जांच का विषय है, जबकि मुख्यमंत्री जी खुद बोलते हैं और एक सिस्टम सरकार में होता है। हम हमारे समय में भी 4-5 मुख्यमंत्रियों ने काम कर लिया पहले कि जो मुख्यमंत्री बोलते हैं उसकी अक्षरश पालना जो है उनके अधिकारियों को करनी होती है। मुख्यमंत्री जी ने पिछले डेपुटेशन में क्या बोला कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन रखेगा, ये कंपनियाँ नहीं होगी, लेकिन 1-2 दिन के बाद में एक अटेंडेंस का फॉर्मेट डाला जाता है और उसमें 4-5 कंपनियों के वो नाम दिए जाते हैं, 2 कोई हमीरपुर की है, 1 कोई ऊना की है और 2 कोई शिमला जिले की है और वो भी कोटखाई से संबंधित है। मैं यहाँ नाम नहीं बोलना चाहूँगा पर बहुत गलत शिक्षकों के साथ हो रहा है और ये शिक्षकों की परीक्षा है, हम परीक्षा देने के लिए, और दूसरी परीक्षा हमारे पढ़ाए हुए बच्चे दे रहे हैं स्कूलों में, चार चार कक्षाएं आज भी पता नहीं किस परिस्थितियों में अपने टीचर्स की राह देख रही है, लेकिन टीचर के साथ क्या बीत रहा उन बच्चों को मालूम नहीं है बेचारों को। तो शिक्षा मंत्री जो है ध्यान दें और मुख्यमंत्री जो है ध्यान दें कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आप आए हैं, ऐसी व्यवस्था करें कि 22 सालों के साथ हमने सेवाएं विभाग के अंदर दी है, स्कूलों के अंदर दी है, उसके साथ न्याय करें। हमारे भी परिवार है, आप समझ सकते हैं कि 14,090 रुपये अगर आप देते हैं तो उससे आप उम्मीद करें कि कितना बच्चों की एजुकेशन हो जाएगी, कितना आप अपने खर्चे चला पाएंगे। हमारे टीचर दूर दूर में कमरा लेकर रह रहे हैं और बहुत हैरान परेशान है, 5 टीचर्स तो हमारे जो है मर चुके हैं अलग अलग परिस्थितियों में, और कहीं ना कहीं परिवार का, समाज का, हम भी समाज में रहते हैं, हमारे साथ भी स्टाफ है। 20 साल पहले शिक्षा विभाग में किसी भी नाम से कोई भी शिक्षक लगाए आज 70,000, 80,000 और 1.25 लाख की सैलरी में पहुंच गया है। हम कोई पाकिस्तानी नहीं है, हम कोई नेपाली मजदूर नहीं है जो आप इस तरह से हमको अलग अलग कंपनियों में दो। बहुत हैरान हूं और शाम को उम्मीद कर रहा हूं कि कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट होगा, कुछ ना कुछ हम अच्छा लेकर जाएंगे, नहीं तो हम मजबूर हो जाएंगे कुछ। और मैं डर भी रहा हूं कि कोई अपनी अपनी परिस्थितियों में जैसे आज तक घुट रहे थे लोग, कोई ऐसा वैसा स्टेप ना ले ले, अपने परिवारों को देखे, अपने आप को संभाले। मेरी टीचरों से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और हम लोगों का पक्ष जो है सरकार तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं मदद करी। ठीक है सर। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।